welcome students in our science class today we will discuss about chapter number 13 magnets all of us know about the interesting property of magnets so let us start magnets are the materials that can attract iron metal itself or objects made up of आयरन मैग्नेट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आयरन या आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मीन्स मैनमेड। नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है लॉर्ड स्टोन लॉर्ड स्टोन इज अनेचुर अक्रिंग मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स डू नोट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड दे एक्सर्ट रदर स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्स ओन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उसकी कोई शेप नहीं होती और वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को कम अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करती है उनकी जो अट्रैक्टिंग फोर्सेस है वो कम होती है किसकी कंपैरिजन में आर्टिफिशियल मैगनेट के कम्पेरिजन में तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स किससे बनाई जाती है देयर आर सम मेटल्स लाइक आयरन निकल स्टील कोबाल्ट एंड अलोइस अलोइ क्या होता है टू और मोर मेटल्स के कॉम्बिनेशन से एलोए बनते हैं ये मेटल्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम क्या कह सकते हैं मैनमेड मैग्नेट्स और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है वो कई तरह की शेप्स में होते हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट साइज आल्सो कौन कौन सी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं लाइक बार मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट मैग्नेटिक नीडल बॉल एंडेड मैग्नेट एंड सर्कुलर मैग्नेट्स यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं दी है बार मैगनेट होर शू मैगनेट मैग्नेटिक नीडल बोल मैगनेट बोल मैगनेट मीन्स बोल की शेप की साइज की होती है और सर्कुलर मैगनेट स्टूडेंट्स मैगनेट्स है टू टाइप्स की होती है परमानेंट मैगनेट एंड टेम्परेरी मैगनेट परमानेंट इसके नेम से क्लियर है दीज आर द मैगनेट्स डेट वंस मेड रिमेन एज मैगनेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मैग्नेट्स जिनको एक बार बनाया गया तो वो लॉन्ग टाइम तक मैग्नेट बनी रहती हैं डैट मैग्नेट्स आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज हो सकते हैं स्टील कोबाल स्टील एलनिको एंड टाइकनोल ये वो मटेरियल्स हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होते हैं टेम्परे मैग्नेट्स इसके अपोजिट दीज आर द मैग्नेट्स डैट वंस मेड डू नॉट रिमेन एज अ मैग्नेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन अदर वर्ड्स दीज आर द मैग्नेट्स डैट वंस मेड रिमेन एज ए मैग्नेट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये वो मैगनेट्स होती हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए मैगनेट बनी रहती है टेम्परेरी मैग्नेट्स का एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रो मैगनेट और इलेक्ट्रो मैगनेट यानी टेम्परेरी मैगनेट बनाने के लिए कौन कौन से मटीरियल्स चाहिए हमें सॉफ्ट आयरन एंड निकल इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट मैगनेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर रोड के ऊपर एक वायर रैप्ड की जाती है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव कब करेगी जब उसमें से करंट पास करवाएंगे जैसे ही करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर देगी और जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म दोबारा से अटेन कर लेगी और आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रो मैगनेट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं इन मोबाइल क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग मैगनेटिक मटीरियल्स लाइक स्क्रैप्स ऑफ आयरन एंड इन इलेक्ट्रिक बेल्स लाउड स्पीकर माइक्रोफोन्स एंड टेलीफोन्स। थैंक यू